आगे चमचमा भी जाए अगर कोई ख्वाब आंखों के सामने चमचमा भी जाए अगर पहुंच खुद की जल्दी गले में कसी बताती है और सुनाई दे भी जाए अगर आवाज की कोई गूंज कभी सुनाई दे भी जाए अगर आवाज की कोई गूंज कभी मंजर उसका भी एक तस्वीर आंखों में बसी बताती है कि हौसले जर्जर करने का भी एक सलीका होता है कि हौसले जर्जर करने का भी एक सलीका होता है ये वो हुनर है जो रोजाना कईयों को रहीसी बताती है कि बहुत जायज है कोई आवाज उठे तो वहीं पे दबा दी जाए कि बहुत जायज है कोई आवाज उठे तो वहीं पे दबा दी जाए कि बहुत जायज है कोई आवाज उठे तो वहीं पे दबा दी जाए ऐसी बातें अक्सर दौलत की बेकशी बताती है और दहशत का क्या आलम है कभी आवाज उठा कर देखो कि दहशत का क्या आलम है कभी आवाज उठा कर देखो फिर हौसले में मिली वाहवाही फिर एक बात यही बताती है कि हकों की भी हकीकत जहां बेकसी बताती है न जाने कौन सी नियामतें जिंदगी को हसीन बताती है शुक्रिया कुछ नहीं होने वाला इस तरीके से निराशावादी थी मैं इसको लिखते हुए पर मेरी कोशिश होती है कि मैं निराशावादी ना रहूं नकारात्मक ना रहूं और इसी कोशिश में मैंने कविता लिखी थी ज्यादा सोच करके भी क्या कर रहा हूँ जब बहुत पोस्टर तेरा पे डिबेट उठे जब बहुत ऐसी बातों पर डिबेट उठे कि ये देश कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा मोदी के आने तब मुझे लगा कि नहीं कोई एक नेता से कितना खत्म तो नहीं कर देगा देश को इस सकारात्मक सोच के साथ ही कविता लिखती मैंने कि ज्यादा सोच करके भी क्या करना कि अखबारों का खोखला होना ये कोई नई तो बात नहीं कि रवीश कुमार जी ने कहा था जब वो पढ़ रहे थे गांधी जी के बारे में तो चंपारण में जब गांधी जी अपना मूवमेंट करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि कोई भी रिपोर्टर ने इसे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें शायद तब तक पता था कि रिपोर्टर क्या करेंगे तो ये कोई शायद आज की बात नहीं है कि अखबारों का खोखला होना ये कोई नई तो बात नहीं फरमानों को गुनगुनाने वाली ये पहली प्रभा नहीं इतिहास ने देखा है पहले भी वर्तमान का जाली होना झूठ का प्रभावशाली होना हकीकत का ख्याली होना रिवायती पेशा है इनका रोजाना पन्नों को भरना ज्यादा सोच करके भी क्या करना कि पहले भी कई आपदा आई सूखा पड़ा बरखा छाई कई दफा ये हो चुकी है पर्यावरण से सीख में हाथा पाई धरती ने देखा है पहले भी माटी का समाधि होना एक युग का अंत और दूसरे युग का आदि होना अगर तुम हुए मनु तो फिर होगा तुम्हारे भी भाग्य में करना ज्यादा सोच करके भी क्या करना और सत्ता पर मूर्खों का कब्जा देखो ये दोहराता चरखा है कि सत्ता पर मूर्खों का कब्जा देखो ये दोहराता चरखा है प्रकृति ने मानव विकास को पहले ही ऐसे परखा है लेकिन समय ने देखा है सत्ताधीशों का सिपर होना आंधी का दफन होना जैसे कि हम जानते हैं किसके आगे चल रहे हैं लेकिन समय ने देखा है सत्ताधीशों का सिपर होना आंधी का दफन होना मुगलों का जफर होना अगर वो है तुगलक तो फिर होगा उनके भी नसीब में गुजरना ज्यादा सोच करके भी क्या करना धन्यवाद।